हम टू वचन हॉर्स रिव्यू। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं व्हाट अ चव ग्रेवी। तो उसमें क्या क्या मसाला लगता है वो आपको बता देंगे, मतलब क्या क्या मसाला है। ये आधा किलो चाप है और इसमें ये गरम मसाला डालूंगी और ये दो बड़े प्याज है, ये दो टमाटा और हरी मिर्ची इसमें पिसा हुआ और ये दो प्याली चम्मच दही, दो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये धनिया पाउडर, ये मिर्ची पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर, ये हल्दी पाउडर। सबसे पहले मैं ये डालूँगी, ये डालने के बाद ये प्याज डालने के बाद फिर चाप डाल दूँगी, फिर ये सारे मसाले बाद में डालूँगी। ये देखिए मैं अभी तीन बड़े चम्मच तेल डालूँगी इसमें, सबसे पहले तीन बड़े चम्मच तेल डालूँगी। तेल गरम हो गया है, तेल गरम होने के बाद सबसे पहले मैं ये डालूंगी गरम मसाला डालूंगी, थोड़ी देर इसको भूनने दूंगी भूनने तक, और प्याज डाल दूंगी। प्याज को अच्छा थोड़ा भून लेती हूँ अच्छे से, प्याज अच्छे से भून लेती हूँ। प्याज भूनने के बाद ये चाप डाल दो, प्याज को पहले अच्छे से कलर आने दो। ये देखिए अब मैं चाप डाल रही हूँ और इसका पानी सूखने तक भून लूँगी अच्छे से। चाप का पानी सूख गया है ये, अब इसमें मैं ये मसाला डाल रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डाले इसका और पानी सूखने तक, उसके बाद हम मसाले बाद में डालेंगे, इसका पूरा पानी सूखने तक। उसके बाद सीटी लगा देंगे इसको। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डाली थी, इसका मसाला भून गया है ये, अब ये सारे मसाले में अभी ये सब डाल दूँगी टमाटर, नमक, उसको सारे मसाले भून लूँगी और कुछ देर के बाद इसमें मसाले भूनने के बाद एक गिलास पानी डाल दूँगी और सीटी लगा दूँगी। ये देखिए मैंने अभी इसमें सब मसाले सब भून गए और इसमें मैंने तीन गिलास पानी डाली और उसको सीटी लगाऊंगी और गले तक छोड़ दूँगी इसको। अब मैं इसको कुकर लगा दूंगा, तीन चार सीटियाँ ले लूँगी। ये अभी मेरा पक्के चाप मेरा पक्के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो ये बन के तैयार हो चुका है। अभी आपको इसका बताते हैं खाते टेस्ट करके, फिर आप भी आपके घर में बनाइए।